अभी हम जा रहे हैं फायर सेफ्टी क्लास के लिए। हाँ वेलकम बैक टू माई चैनल मैम कमदौरीगे मैम नुरा मैं खनजे यूनिट की ग्राउंड हई फायर सेफ्टी की क्लास में लेब मैम लाओ आने मीटिंग कौखले चतरे गेम दी खादे होली मैंने थाबनको मैसे होली का दहन है प्रोग्राम ले मीटिंग तौरगे खी खोए जिक चतरे मैम ये मिनरसी तो क्या बोले चलो हमारे पहले कुछ नहीं पड़ रहा भाई हिंदी बोल लेते हैं टेस्ट कर हिंदी इंग्लिश सारा बोलो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं फायर सेफ्टी क्लास के लिए यूनिट ग्राउंड में, तो बनी रहिए मेरे साथ दोस्तों। आपने तो कुछ बोला ही नहीं, हाय भी नहीं किया। ऐसे तो हर वीडियो में हाय बोलती हो। ये देखिए हाय हाय ऑल ऑफ यू इंग्लिश इंग्लिश बोल रहे हैं। चलो कोई चतली मैम ग्राउंड जोर ये लागे मैम वीडियो से लोय फाव ये मैम वीडियो नौने ये कांगूसिंग मैम सब्सक्राइब तो सन्बीरमो हजी ग्राउंड जो दौरे ग्राउंड होली की प्रोग्राम तौनी है ये मीनरसीको मैम वीडियो लोफो ये सुमायन ले मई की सो गाइस हम पहुंच चुके हैं यूनिट ग्राउंड में और आज यहां सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया है और इसमें हम लोगों को घर में आग लगने पे या फिर सिलेंडर लीकेज होने पे कैसे बचाव किया जा सकता है इसके बारे में बताया जाएगा। तो आज की वीडियो से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और दोस्तों साथ में होलिका दहन का भी आयोजित किया गया है। तो दोस्तों प्लीज़ बनी रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आवाज सुनाई दे रहा है ना सभी को, है ठीक है। देखिए अभी हम लोग आए हुए हैं तो तीन चार चीज आपको बताएंगे। पहले किचन के बारे में बताएंगे, फिर जब आग लगेगा तो ये कौन सा एक्सटिंग्विशर किससे किसमें काम आएगा उसको बुझाने के लिए, वो कौन सा आग में किसको यूज करेंगे उसको बुझाने के लिए फिर बताया जाएगा, ठीक है। उसको फिर वो चला के दिखाया जाएगा कैसे कैसे उसको चला के कैसे उसको आग को बुझाना रहेगा, ठीक है। वो आप लोग अभी घर में इसको यूज करते हैं सिलेंडर को, ये एलपीजी सिलेंडर है सबको मालूम है ना। हाँ। तो इसमें क्या करता है, लीकेज होता है तो क्या करना पड़ता है, लीकेज होगा ना, लीकेज होगा तो स्मेल आएगा, इसमें स्मेल आएगा, स्मेल आने से क्या पता चलेगा कि लीकेज हो रहा है। तो लीकेज होगा तो कोई भी माचिस नहीं चलाना है, आग कोई कैंडल बोले कैंडल जला के थोड़ा सा नाइट में आ रहा है तो नहीं चलाना है। स्विच भी है ना, कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है, स्विच ऑन ऑफ करने से क्या होगा उसमें स्पार्क निकलता है, उसमें से स्पार्क निकलेगा तो क्या होगा उसमें से भी तो उसमें पूरा लीकेज हुआ है ना तो पूरा रूम में किचन में पूरा भरा रहेगा, आगे दूसरा रूम में भी भरा रहेगा। जो निकला हुआ है ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि दूसरा रूम में भी है, तो बोले चलो तो किचन में लीकेज हो रहा है हम दूसरा रूम में भी माचिस मारेंगे, क्या दूसरा रूम में भी माचिस नहीं मारना है, ठीक है। हाँ क्लाउड बना देगा पूरा एकदम वेपर बन के, पूरा जो गैस है सब जगह बेडरूम में आपका डाइनिंग हॉल में सब जगह भरा रहेगा, तो गैस लीकेज रहेगा, रात भर में लीकेज हो गया पूरा फुल भरा रहेगा। उसे क्या इतना ही हाइट में रहता है, ये ऊपर वो नहीं होता है, इसका जो लेवल रहता है गैस का इतना ही हाइट में नीचे में रहता है, तो ज़्यादा ऊपर में आपको रहेगा तो ऊपर में खाली रहेगा, इसीलिए जो लीकेज हो रहा है तो जो छत पे चला जाएगा तो फिर उसको नहीं लगेगा। और इसको पहले कोशिश करना है कि इसको बालकोनी में लेके चले जाएं, जैसे लीकेज हो रहा है ना उसमें आग नहीं लगा है तो उसको खाली आप उसको हटा के बालकोनी में भी रख सकते हैं। आप पहले कोशिश करिए कि उसका रेगुलेटर को बंद कर दें, कहीं लीकेज रहेगा तो रेगुलेटर बंद हो जाएगा
फिर जी उत्तर है। हाँ तो ठीक है, इसमें समझ में आया, जो गैस निकलते रहेगा लीकेज रहेगा, वो लीकेज होते होते मालिक इसमें से आपको कहीं भी माचिस मिल गया तो इसमें फिलहाल पकड़ लेता है। आगे जिसमें दो जगह रेगुलेटर के पास पड़ेगा और फिर जो आपका स्टोव रहेगा स्टोव के पास आग पकड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों को किस तरह से बुझाना रहेगा, स्टोव के पास रहेगा तो आपको स्टोव को पास से उसको पाइप को निकाल लीजिएगा, तो फिर आपको हाथ में इसे पाइप को पकड़ सकते हैं। ऐसे पाइप में निकला रहेगा ना तो इसमें भी आपको फ्लेम आते रहेगा, तो फ्लेम आएगा ना तो इसमें क्या करेगा, इसमें गैप रुके होता है, इसमें आग निकलते रहेगा ना, इतना ऊंचा लपटा मारते रहेगा, लेकिन क्या होगा बीच में गैस रहेगा, गैस होके ये गैप होते रहेगा, गैप होगा तो आप इसको इसे हाथ से भी बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। हाथ से भी बंद करेंगे तो क्या गैस आपका बुझ जाएगा, ऐसे नहीं डरना नहीं है, क्योंकि डरेगा तो ऊपर में आपको दिखाई देगा फ्लेम, लेकिन यहाँ से नीचे से इसे बंद कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये दूसरा मान लीजिए रेगुलेटर के पास से लीकेज हो गया, यहाँ से आग लग रहा है तो ये तावल है हमारे पास, ये तावल से भी इसको ढक के बुझा सकते हैं। आप लोग वीडियो देखे होंगे, कोई कोई वीडियो देखे होंगे जो वीडियो में आया हुआ था, और उसको ढक के ऐसे लपेट के ढक देने से क्या होगा, उसका ऑक्सीजन कट हो जाएगा और बुझ जाएगा। और एक दूसरा तीसरा है ये बकेट से, ये बकेट आपके पास रहेगा, कोई अच्छा वाला बकेट रखिएगा, मजबूत, ये ज़्यादा कमजोर वाला नहीं रखना, कमजोर वाला रखने से क्या होगा ये दब जाता है, दबने के बाद इसको नहीं बुझा पाएंगे, तो इसको क्या करेगा, इसमें से फ्लेम निकल रहा है, आग निकल रहा है यहाँ रेगुलेटर से, इसको क्या करना है इस तरह से अच्छा ढक देना है, ढक देने से क्या होगा आग बुझ जाएगा, ठीक है। वो अभी आपको हम सब डेमो करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी इसे आपका घर में आग लगा रहेगा तो इसमें कौन कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए पाउडर है, ये मल्टीपर्पज रहता है, इसमें लकड़ी का आग को भी बुझा सकते हैं, तेल का भी आग को बुझा सकते हैं, और गैस का भी आग को बुझा सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक में लगा है इलेक्ट्रिक का भी बुझा सकते हैं, ये मल्टीपर्पज है, सब में काम आएगा। और ये CO2 है, ये इलेक्ट्रिक का आग का काम आता है, ये CO2 गैस इसमें भरा हुआ है, कौन सा है CO2 गैस है, तो इसमें से CO2 गैस निकलेगा और उसको इलेक्ट्रिक में आग लगा है तो उसको बुझा सकते हैं। और ये है आपका फोम का, फोम क्या हो गया, फोम इसमें जो तेल का आग रहेगा ना, तो फोम क्या करेगा इसको कवर कर लेता है, इसमें से फोम निकलेगा, तो देखिए फोम को निकालने के लिए ये बनाया हुआ है, इसमें फोम और पानी दोनों डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है उसमें, उसके बाद एक CO2 कार्टेज डाला हुआ है, इसको पंच करने के बाद वो तीनों मिक्स हो जाएगा, मिक्स होकर फिर इसके बाद निकल के आएगा, तो निकल के आएगा तो इसमें से क्या निकलेगा, फोम निकल के आएगा। अब इस तरह देखने से पता निकले तेल का आग रहेगा, तो तेल का आग में ये काम करेगा, ठीक है, कौन सा आग में, तेल का आग में ये काम करेगा। और ये पानी का है, वाटर टाइप, कौन सा है, ये वाटर टाइप है, ये पानी वाला, ये क्या करेगा, पानी वाला लकड़ी पे आग लग गया, आपका घर में कोई भी चीज़ जल रहा है, फर्नीचर जल रहा है, कुछ जल रहा है, बेड जल रहा है, कोई भी काम में इसमें इलेक्ट्रिक वाला काम इस्तेमाल करें, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, बोल नहीं रहे आप लोग, कुछ बोल रहे हैं, हाँ क्लियर है, तो ये सब ये चार भाग में हो गया, तो फायर जो है चार भाग में रहता है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। सॉलिड किस में काम आएगा, सॉलिड जो लकड़ी उग रही है, लकड़ी में जल गया, कपड़ा में जल लग गया, कोई भी आइटम जो सॉलिड चीज है उसमें आग लग गया तो सॉलिड वाला हो गया, ए क्लास फायर हो गया। बी क्लास में क्या होगा, लिक्विड तेल वाला जो बता रहे ना, ये फोम वाला, ये बी क्लास में काम आएगा, ठीक है। और सी क्लास सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैस का जो आग लगेगा, कोई भी गैस रहता है ना, गैस में आग लगेगा तो उसको सी टाइप में उसको रखते हैं। और डी टाइप में मेटल का आग, मेटल का जो डस्ट वगैरह रहेगा उसमें आग लगेगा वो डी टाइप में हो जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो हाँ इसको फिर उसके बाद आप लोगों को चला के इसको भी दिखाया जाएगा, आप लोग इसे भी चलाएंगे, बोले आप लोग भी आते हैं चला के उसको बुझा कर देंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले इसी का शुरू किया है, हाँ मैं बुलाया, मैं आया आया आया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओ है ना, देखिए इधर है ना, थोड़ी सी पकड़ ले, देखिए इधर है ना, इसके पीछे का गैप है ना, गैप है ना, हां हां, आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, हां देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, गैप में क्या करना है, तो इसको गैप निकाल दिया, हां बन गया, बन हो गया, इधर देखिए अभी को लिए तो कौन, देखिए ना
ना बोले दीदी को लगाएंगे हम रेगुलेटर का शुरू रहा है चलता है हां हां ठीक है 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 डर नहीं है तो समझिए मतलब दो ये आपको डर निकालने के लिए बता रहे हैं कोई आने चाहते आइए आप के पास भी दे रही है आप के लिए देते वहां पे चलेगा नहीं हम देखिए सामने है अरे आ गए दे देने का भी करेंगे ठीक है बताएंगे अब आप को कॉल कर रहे हैं कितना दूर से ले आ रहे हो ये पूरा आगे चला गया ताली बजाओ ताली बजाओ रुको मचा हीरो नहीं ना हाँ हाँ हमारे मैडम करेंगे अपना को मकान खोने इनमें मीने क्लैपिंग 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 आजी वाले ही बनी मनी ना नहीं 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 बस चलो मैं करके देखता हूँ आप एक बार पकड़ पूरा धुआ जाओगे पूछिए सबको यस मैम यस मैम आप ही बोल हां बोल रही हूं यस मैम थैंक यू थैंक यू हमारे लिए है ना हमारे लिए कौन कौन तैयार है सुबह आने के लिए होली के लिए हाथ उठाइए हाथ ऊपर कीजिए होली के लिए घेरा हो गया संडा जो रहे मैं हम संडा हो रहे तो मैं यहाँ मजी है उसे मई था धुले सीधा कौन से सीखे सिंगे ताई रहता दिए खंग रहे और संग मई था धुले मैं सो गाइस आप लोगों को पता ही होगा होलिका दहन क्यों मनाया जाता है
होली हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और होलिका दहन होली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसके अगले ही दिन रंग गुलाल से होली खेली जाती है। और कोई अन्य हिंदू त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और होलिका दहन की तैयारी में लोग सूखी टहनियाँ पत्ते जुटाने लगते हैं और फिर इससे होलिका बनाते हैं और इसको फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को अग्नि जलाई जाती है और दूसरे दिन ही सुबह रंग गुलाल से होली खेली जाती है। सो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि इस त्यौहार को लेके कोई कहानियाँ प्रचलित है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है प्रहलाद होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं इसका थोड़ा सा हिस्सा सुना देती हूँ। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान की भक्त है और वो विष्णु भगवान को दिन रात पूछते हैं, तो उसने गुस्सा से उसको मारने की बहुत बार कोशिश की, फिर भी विष्णु भगवान उनको हर बार बचाते रहे। और एक दिन उन्होंने गुस्से में उनका बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बेच जाए, क्योंकि होलिका को वरदान मिला था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत, होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है और होलिका इस पर संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली, ओह माय गॉड। मैरी पाई थे रही कहीं मैरी पाई रहे मैरी एग्जाम पाई रहे साबित ही नहीं रो रहे लग रहा है। होली हैप्पी होली, हैप्पी होली दीदी। अभी वीडियो ले आएगा लेकिन है रागिनी के मम्मी दिखो, लाल लाल हो गए वो, आ गई है मीनू दीदी दिखो, देखो हैप्पी होली बोलिए सबको, पर्पल पर्पल हो गई, लाल हो गई, शाम हो गई, मचा तो इन्हें कही रहा वो नहीं नहीं ऐसा लुक चैनल हो यार था या उस समय था बल हो रहे मैं यार मैं कोई जीवन में हल्ले नहीं हम नुमाइ रहे। बहुत अच्छा लगा ना आज, हाँ फायर क्लास भी हो गया, फायर सेफ्टी क्लास भी हो गई और होलिका दहन भी हो गई, कल कल आ रहे कि नहीं? ऑलवेज भी हैप्पी, ऑलवेज भी हैप्पी, आपको भी थैंक यू। और कल आ रहे कि नहीं? सुबह आएंगे ना, होली खेलेंगे ना, एंजॉय करेंगे।